झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सिविल सेवा के 342 पदों के लिए रविवार को प्रारंभिक परीक्षा रांची समेत राज्य के 24 जिलों के 834 केंद्रों पर हुई थी। फर्स्ट सिटिंग का पेपर आउट होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। धनबाद, जामताड़ा और चतरा में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग ने प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सभी उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी थी। ये रिपोर्ट आयोग को मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षार्थी जिस मुद्दे को लेकर कई केंद्रों में हंगामा किए थे वह निराधार है। किसी भी जिले के केंद्र से प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट के खुला मिलने को लेकर आयोग का कहना है कि इसे हर परीक्षा केंद्र पर सेंटर हेड, मजिस्ट्रेट और परीक्षार्थियों के सामने वीडियोग्राफी कराते हुए खोला गया। आयोग ने कहा है कि पेपर लीक का आरोप महज अफवाह है। इसके बाद आयोग ने सरकार को नए कानून के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा कर दी है ताकि अफवाह फैलाने वाले पर चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। आयोग ने कहा है कि इस तरह के अफवाह से जेपीएससी की छवि धूमिल हुई है।